सपना चौधरी, वो नाम जिसकी पॉपुलैरिटी आज किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं। हरियाणा की इस डांसिंग स्टार का जलवा कुछ ऐसा है कि वो देश के किसी भी हिस्से में चली जाएं, फैंस उनकी एक झलक पाने को कुछ भी कर बैठते हैं। लेकिन सपना आज इस मुकाम पर हैं, तो शायद इसलिए कि 2 साल पहले उनका दूसरा जन्म हुआ था। जी हाँ, सपना इसे अपना दूसरा जन्म ही कहती हैं। चलिए आपको बताते हैं वो पूरा किस्सा, जब जिंदगी से हार गई थी सपना और मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया था। बात 17 फरवरी 2016 की है, जब सपना ने गुड़गांव के चक्करपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में एक रागिनी गीत गाया था। सपना पर आरोप लगा कि उन्होंने इस रागिनी के जरिए दलितों का अपमान किया, उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। बस इसी के बाद सपना के लिए मुसीबतों का ऐसा दौर शुरू हुआ जिससे बाहर आना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया। सपना के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया। विवाद बढ़ता देख सपना ने सार्वजनिक तौर पर दलित समाज से माफी मांगी। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर माफी चाहती हूं और आगे से इस प्रकार की रागनी नहीं गाऊंगी। लेकिन माफी से बात नहीं बनी। इस बीच सपना ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में रोज अश्लील मैसेज पोस्ट किए जा रहे हैं। इन सब से तंग आकर 4 सितंबर 2016 को सपना ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने 6 पन्नों का एक सुइसाइड नोट भी छोड़ा, लेकिन वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिए जाने के चलते डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली। 29 सितंबर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सपना को जमानत दे दी। सपना के मुताबिक ये उनका दूसरा जन्म था, फैंस की दुआओं ने उन्हें बचा लिया। इस हादसे से उबरने के बाद सपना ने धमाकेदार वापसी की। उन्होंने न सिर्फ स्टेज शो किए बल्कि बॉलीवुड में भी एंट्री की। बिग बॉस में कंटेस्टेंट के तौर पर भी उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। सपना की पॉपुलैरिटी आज बुलंदियों पर है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।